नमस्कार साथियों टॉप फिफ्टी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज का आज का बाल विकास का होने वाला है या जो हिंदी या और भी भाषाओं की जो पैडागोजी होती, होती है उससे संबंधित वीडियो है अधिगम अक्षमता के प्रकार ठीक है तो बाल विकास जो लोग पढ़ रहे हैं ये जरूर पढ़ लें इससे संबंधित दो प्रश्न समझ लो आपके बनेंगे ठीक है तो ये आज हम पूरे पढ़ाएंगे आपको अधिगम संबंधी अक्षमता क्या होती है आपने सुना होगा डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बाल विकास की हम आपको सिलेबस वाइज तैयारी करा रहे हैं आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें चलिए शुरुआत करते हैं पहले देखें डिसलैक्सिया ये क्या है पठन बैफल्य मतलब पढ़ने संबंधी विफलता जो होती है क्या कहलाती है डिसलेक्सिया देखें पढ़ने समझने अक्षरों को क्रमबद्ध करने संबंधी बेकार ये क्या कहलाता है डिसलेक्सिया कहलाता है आपने एक वो फिल्म आई थी तारे जमीन पर नाम सुना होगा उसमें जो बच्चा था तो आपने देखा वो शब्द उसके सामने झूलते थे बिल्कुल उसको समझ में नहीं आगे पीछे कर देता था तेई वो बीमारियाँ थी उसको आगे देखें डिसग्राफिया लिखने संबंधी विकार जो लिखने में गड़बड़ कर देते ना कि कोई सा को ए वाला सा लिख रहे हैं या ये कर रहे हैं तो वो सब क्या होता है लिखने संबंधी विकार डिसग्राफिया ठीक है तो आपको याद रखना है ग्राफिया लिखने संबंधी है और डिसलैक्सिया पढ़ने संबंधी और देखें एक से है कन्फ्यूज मत होना इसमें क्वेश्चन आते हुए चारों लिख देते अब व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है अब डिस कैलकुलिया तो गणितीय कौशल संबंधी विकार आप इसको कैसे याद रखेंगे वो ट्रिक भी बता दे रहे कि कैलकुलिया कैलकुलेटर का उपयोग किस में किया जाता है तो गणित में किया जाता है तो गणित संबंधी कौशल जो होते हैं बेकार किसमें होता है ये होता है कैलकुलिया में ठीक है बीमारी और देखें और क्या बेकार होते डिस फैजिया तो बात संबंध क्षमता संबंधी बेकार जो बोलने संबंधी जो क्षमता उसमें जो बेकार होता है बोल नहीं पाते अच्छे से वह क्या है डिस अब डिस लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार क्या कहलाते हैं डिस प्रेक्सिया इसमें लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार आते हैं बिल्कुल पूरा रट लेना है ये देखो चार ने पहले क्या पढ़े डिसलेक्सिया पढ़ने समझने अक्षरों का ज्ञान डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी डिसकैलकुलिया गणित संबंधी और डिस्फेजिया बाक क्षमता संबंधी डिस लेखन चित्रांकन संबंधी आगे देखते हैं डिस आर्थोग्राफिया ये बर्तनी संबंधी होते हैं बर्तनी संबंधी विकार क्या है पूछ लेंगे निम्न में से बर्तनी संबंधी विकार डिस्ट आर्थोग आर्थोग्राफिया ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर संधि विकार कहलाता है ठीक है और विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर ये दृश्य प्रक्षण संबंधी विकार कहलाता है पूछे जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है वीडियो को पूरा देखें इससे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी हम पढ़ेंगे ठीक है तो सिलेबस के अनुसार पूरी हम आपको आपके बाल विकास की तैयारी करा रहे हैं चैनल से ना जुड़े हो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे देखें सेंसरी इंट्रीगरेशन आर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार है आर्गो जेसनल लर्निंग डिसऑर्डर ये क्या संगठा संगठनात्मक पठन संबंधी विकार अफेजिया ये भी कई बार पूछा गया तो भाषा अब बोध से संबंधित विकार चलिए अब इसी से संबंधित हम जो परीक्षा में महत्वपूर्ण उपयोगी तत्व हैं उन पर चर्चा करते हैं इसके विभिन्न अधिनियम सारे तत्वों पर चर्चा करेंगे मेरा निवेदन वीडियो को पूरा देखिएगा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा क्या पता इसमें से कौन सा क्वेश्चन बन जाए वीडियो को पूरा देखें देखे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम उन्नीस में पारित हुआ कब हुआ उन्नीस में और आगे भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम आईसीआई एक्ट वर्ष उन्नीस में पारित हुआ 22 जून उन्नीस से लागू हुआ विकलांग व्यक्ति के लिए अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट बस उन्नीस सौ में पारित हुआ और देखें महत्वपूर्ण यह अधिनियम 7 फरवरी उन्नीस को लागू हुआ था पंचानवे में पारित हुआ और यह अधिनियम कब हुआ विकलांग व्यक्तियों के लिए यह हुआ है सात फरवरी उन्नीस से इसके अंतर्गत सात प्रकार की विकलांगताएं हैं जरूरी है कौन कौन सी विकलांगता देखे एक तो अंधत्व अंधे है तो बहुत संबंधी हो जाएगा और देखें अल्प दृष्टि किसी को कम दिखाई देता है श्रवण बाधा सुनने में दिक्कत होती है मानसिक विकलांगता मानसिक रूप से कमजोर मानसिक रोग रोगी गामक बाधा या फिर कोढ़ उपचरित ये सब कुछ इसके अंतर्गत ली गई हैं और देखें सोलह दिसंबर 2016 को दिव्यांग जन अधिकार विधेयक दो हज़ार पारित हुआ आपने देखा होगा आपने मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया कहा कि अपन को कोई भी यदि कोई अक्षम अच्छा है शरीर से उसको विकलांग नहीं हमें दिव्यांग बोलना है ठीक है यह वर्ष उन्नीस सौ पंचानवे के विकलांग व्यक्ति अधिनियम का स्थान लेगा इसको अब दिव्यांग जन अधिकार विधेयक कहा जाएगा ठीक है इसमें इक्कीस प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया है ये अभी सात थी अब इक्कीस प्रकार की विकलांग बच्चों के लिए छह से अठारह वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया अधिनियम में याद रखिएगा 2016 में जो पारित हुई सरकारी प्रतिष्ठानों में विकलांगों के लिए आरक्षण तीस पर, तीन परसेंट से बढ़कर चार परसेंट ये भी महत्वपूर्ण है आपको एक एक फैक्ट आगे देखते हैं ऐसे बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए निरंतर लेकर के आ रहे हैं जिससे आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाए ठीक है और देखे चालीस परसेंट या उससे अधिक किसी भी प्रकार से अक्षमता वाले व्यक्ति को विकलांग या दिव्यांग कहा दिव्यांग कहा जा सकता है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम उन्नीस सौ निन्यानवे पारित हुआ एक अधिनियम तो पूछते ही इसलिए चार पांच ऐसे बताया सब रट ले। इसे संक्षेप में एंटी एक्ट उन्नीस सौ निन्यानवे भी कहते हैं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम को यह अधिनियम चार प्रकार के विकलांगताओं के लिए कौन कौन से के लिए है पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम किस विकलांगता के लिए है या निम्न में से नहीं है तो याद रख लीजिएगा स्वालीनता प्रमस्तिष्क पक्षाघात मानसिक विकलांगता और बहुविकलांगता इन चार के लिए अधिनियम है ठीक है और देखें विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति 10 जनवरी 2006 को पारित हुई ठीक है राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ पर है नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकलांग संस्थान राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ पे देहरादून में विकलांग संस्थान राष्ट्रीय नई दिल्ली में लेकिन दृष्टि से जो विकलांग है उनके लिए देहरादून में है और देखिए राष्ट्रीय आर्थोपैटिक विकलांग संस्थान कोलकाता में एक संस्थान जरूर पूछा जाएगा पूरे लें राष्ट्रीय मानसिक विकलांग सिकंदराबाद में मानसिक विकलांग सिकंदराबाद में याद रखिएगा राष्ट्रीय श्रवण विकलांग है मुंबई में सारे याद रखना है राष्ट्रीय पुनर्वास व अनुसंधान कटक में ठीक है राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान है चेन्नई में तो याद रख लीजिएगा मानसिक विकलांग सिकंदराबाद श्रवण विकलांग मुंबई पुनर्वास या अनुसंधान कटक में और राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण चेन्नई में सारे याद रखना है इसके बाद तीन दिसंबर 2015 को सुगम भारत अभियान की शुरुआत हुई ठीक है और एक और बात चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप और भी बाल विकास के महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं और देखें दिव्यांगजनों के अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र ठीक है यूनाइटेड नेशन कन्वेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ ए क्या बोलते हैं इसको यूएनसीआरपीडी को भारत में 2007 में स्वीकार किया गया इस प्रकार से हमने ये जो संबंधी जो पूछे जाते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन विकलांगता से हमने सारे पे चर्चा की आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक जरूर कर दें पुनः अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी जय हिंद